अफवाहों पर भरोसा करते हैं सिंधिया या अफवाहें फैलाते हैं। विपक्ष के नेता को सामने आकर देनी पड़ी सफाई, अफवाहों पर ना करें भरोसा। आखिर क्यों सिंधिया ने विपक्ष के नेता के स्वास्थ्य को लेकर किया ट्वीट? ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, हाल ही में कांग्रेस नेताओं के साथ उनका विवाद चर्चा में आ गया था। सिंधिया परिवार को लेकर इतिहास के ज्ञान का हवाला दिया जा रहा है। सिंधिया कांग्रेस नेताओं को समझा रहे थे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा ना करें, सारी दुनिया को समझा रहे थे किसी भी वायरल न्यूज पर विश्वास नहीं करना है, पहले जानकारी पक्की करनी है उसके बाद किसी को जवाब देना है, हर खबर का फैक्ट चेक कर रहा है। जो बातें सिंधिया दूसरों के लिए कह रहे थे उस पर खुद ही अमल नहीं कर रहे हैं। सिंधिया वायरल न्यूज पर रिप्लाई कर बैठे, रिप्लाई क्या उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया। ट्वीट कांग्रेस नेताओं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। डॉक्टर गोविंद सिंह 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस में हैं, तो सिंधिया 3 साल पहले तक कांग्रेस में थे। सिंधिया ने सिर्फ ट्वीट ही नहीं किया था बल्कि डॉक्टर सिंह को फोन भी घुमा दिया था, कहा था कि दिल्ली आ जाइए, आपके इलाज का हम पूरा बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन डॉक्टर सिंह ने उन्हें धन्यवाद दिया, कहा आपको हमारी चिंता है, हमारे लिए यही बहुत है, वैसे हम अभी बीमार नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह इस समय इंदौर के मशहूर शायर राहत इंदौरी के एक शेर में फिट बैठ रहा है। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। दरअसल किसी शरारती तत्वों ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को पैरालिसिस अटैक आ जाने की खबर उड़ा दी। सबसे पहले ब्रेक कराने के लालच में स्थानीय समाचार पत्र ने इसे छाप दिया। संपादक ने इस खबर को वेरीफाई करना भी जरूरी नहीं समझा। नतीजा ये हुआ कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के शुभचिंतकों के फोन धड़ाधड़ आने लगे। मजबूरी में उन्हें खुद ही कैमरे के सामने आकर बताना पड़ा कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, मुझे लकवा नहीं लगा है। एक ओर डॉक्टर गोविंद सिंह फेक खबर का खंडन कर रहे थे और दूसरी ओर सिंधिया उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। दोनों घटनाक्रम बिल्कुल एक साथ हुए, लेकिन ये सवाल भी उठ रहे हैं कि सिंधिया अफवाहों के भरोसे राजनीति क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो डॉक्टर गोविंद सिंह के पास सूचना पहुंच गई कि उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाह उड़ गई, इसलिए उन्होंने तुरंत ही मीडिया के सामने आकर बता दिया कि वो ठीक है। लेकिन कहीं कोई दूसरी घटना होती और कोई अफवाह फैल जाती तो क्या केंद्रीय मंत्री होने के नाते सिंधिया अफवाहों पर टिप्पणी कर देंगे? ये सवाल भी उठ रहे हैं, आखिर सिंधिया को बिना सूचना की सही जानकारी डॉक्टर सिंह को फोन करके ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ गई? आखिर कहां से अफवाह फैल गई? जब डॉक्टर गोविंद से लेकर इसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के दौरे पर होने की वजह से रात्रि में पूरी तरह नींद नहीं ले पा रहा था, जिसके बाद चिकित्सकों ने मेडिकल चेकअप करते हुए मुझे आराम करने की सलाह दी। इसी के चलते मैं आराम कर रहा था। जीवन में जब से मोबाइल फोन का प्रयोग करना शुरू किया है, पहली बार 3 दिनों तक मोबाइल बंद रखा, जिसकी वजह से उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैल गई, जिस कारण मुझे मीडिया के सामने आकर बताना पड़ रहा है कि चिंता ना करें, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। डॉक्टर सिंह ने कहा कि आराम करने के बाद वो एक बार फिर से मध्य प्रदेश का दौरा शुरू कर रहे हैं। 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिलेगी, प्रदेश में एक बार फिर से कमलनाथ की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।